नमस्कार। गढ़वा पारा शिक्षक संघ ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर आवास का किया घेराव। अपनी मांग को सौंपा, वहीं मंत्री ने जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया, भरोसा जताया और मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही। वहीं आए हुए सभी आंदोलनकारियों ने अपने हाथों से खाना खिलाया। वहीं पारा शिक्षकों ने सरकार से उम्मीद जताया, उम्मीदों की सरकार बताया, कहा कि सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनेगी तो आश्वासन के बातों पर नहीं मानेंगे, लगातार जारी रहेगी आंदोलन, होगी उग्र आंदोलन, 10 फरवरी को होगी मुख्यमंत्री आवास घेराव। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, पारा शिक्षक संघ पदाधिकारी। भरोसा तो जरूर कह चुकी है, सरकार एक वादे के साथ आई थी, इन्होंने घोषणा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मैं आपको 3 महीने में जो है स्थायी करूंगा, लेकिन एक बहाना, इसको कोई जान नहीं रहा था, विश्वव्यापी जो महामारी है, इनको एक बहाना मिला कि कोरोना कारण हम लोग नहीं कर पाए, तो हम लोग आज देखते देखते इनको एक चुनौती एक तरह से दिए हैं कि अब हम लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं, जब तक हमारी सेवा आप स्थायी नहीं करेंगे चरणबद्ध हमारा आंदोलन चलते रहेगा। अधिकारी बोल रहे हैं कि आपकी अटेंडेंस हम लोग बनाएंगे, क्योंकि हमारी बहाली उसी पर है, ड्यूटी 2 रुपया का नौकरी हो चाहे 200 रुपया का नौकरी हो। आंदोलन बोल रहे हैं, आंदोलन करेंगे हम, आंदोलन है, हम आज भी आंदोलन पर है, संडे है, आज आंदोलन हम छुट्टी में कर रहे हैं, हड़ताल में नहीं, हड़ताल में नहीं, आंदोलन में हम लोग हैं। अभी लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन पर, अगर सरकार नहीं हमारी बात को सुनती है तब हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका सारी जवाबदेही झारखंड सरकार की होगी। बटन की पोटली मिली है अब तक, झारखंड के खांटी युवा, यहाँ के 65,000 लोगों का जो समूह है, 99% झारखंडी युवा, जिन्होंने कि अपनी पूरी जवानी शिक्षा विभाग को समर्पित की है और मांग क्या रहे हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित करो और एक जो सम्मानित वेतन मान जो शिक्षकों को दिया जाता है वो हमको दो। बगल के आप राज्यों में, पड़ोसी राज्यों में देखेंगे, तमाम इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी हुई हैं। राज्य को शिक्षा की आवश्यकता है, शिक्षा को शिक्षकों की आवश्यकता है, इसके बावजूद भी सिर्फ आश्वासन की पोटली पर हमारा जो अब तक की तमाम सरकारें रही हैं हमको छलने का काम की हैं। इस सरकार से बड़ी उम्मीद है, ये बड़ी उम्मीदों की सरकार है पारा शिक्षकों के लिए। इसके बावजूद पिछले 1 वर्षों में जो संज्ञा शून्यता रही है, जब हमारा आंदोलन होता है सरकार में बड़ी तेज़ी आती है, विभाग में बड़ी तेज़ी आती है, लेकिन जब हम लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखते हैं, मांगते हैं, तो सरकार बहुत सुसुप्तावस्था में रहती है। लेकिन अब समय हम लोग के पास एक दिन भी नहीं है, अब आश्वासन के बल पर हम अपने आंदोलन को नहीं रोकेंगे, ये चरणबद्ध आंदोलन है। 10 फरवरी को, आने वाले 10 फरवरी को सीएम हाउस का घेराव होगा, जो 6 सूत्री मांग आप देख रहे हैं, पारा शिक्षकों का स्थायीकरण, तमाम 65,000 पारा शिक्षकों को वेतन मान, जो हमारे अनट्रेंड साथी हैं 3,000 उनको जो पिछले 2 वर्षों से जिनका बांधे, जिनका कमाया हुआ पैसा रोक के रखा गया है, वो मुद्दा निपटे इस सरकार में, और पुरानी सरकार का बहाना बनाकर आप पारा शिक्षकों की समस्या को नहीं रोक सकते हैं। आप विधानसभा में प्रस्ताव लाइए, पुराने सरकार के गलत कामों का को वहां से हटाते हुए समस्याओं का निवारण करिए, ये हम मांग करते हैं, ये उम्मीद करते हैं। करती है हमारी सरकार, आश्वासन देने का काम नहीं करती हमारी सरकार, पहुंचने का काम करती है। अभी विगत दिनों हमारे पारा शिक्षक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी गण, माननीय मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात हुई थी, विस्तृत चर्चा हुई, 1.5 घंटे तक वार्ता हुई, और माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वस्त कराया है कि इस दिशा में काम हो रहा है और बहुत जल्द हमारे जो नेतागण है, पारा शिक्षक जो नेतागण हैं, उनको सरकार के निर्णय से अवगत करा दिया जाएगा और इनका आंदोलन जो चल रहा है चरणबद्ध आंदोलन, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारे एक एक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, और हम पुरानी सरकार के लोग नहीं हैं, हम झारखंडी जनभावना, झारखंडी जनमानस की सोच की सरकार है हमारी, और इनकी मांग पर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। आज हमारे आवास पर इन्होंने अपना कार्यक्रम रखा था, इन्होंने मांग पत्र सौंपा है, इस मांग पत्र से मैं माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री से इस पर गंभीरता से वार्ता करके और जल्द से जल्द इसके निदान की मैं कोशिश करूंगा, और मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री इस पर कोई ठोस निर्णय पर पहुंच चुके होंगे और बहुत जल्द निर्णय सुना। ठीक।